नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर इन दिनों सुर्खियां बटोर रही हैं। जी हां दर्शकों, हम बात कर रहे हैं सीमा हैदर की, वही सीमा हैदर जो पाकिस्तान से भारत चली आई अपने प्यार के चक्कर में। दर्शकों आपको बता दें, सीमा हैदर पाकिस्तान में एक विवाहित महिला है। वो सीमा हैदर सचिन से मुलाकात होती है पबजी के दौरान। पबजी पर दोनों की बातचीत होती है। आपको बता दें कि सचिन जो है वो भारत के ग्रेटर नोएडा के रहने वाले हैं। इन दोनों की जो है मुलाकात पबजी पर होती है और दोनों बातचीत करते हैं। धीरे धीरे इनकी बात इतनी बढ़ जाती है कि नंबर एक्सचेंज होते हैं और बात शुरू हो जाती है। वहीं इसके बाद सचिन और जो है सीमा हैदर वहाँ नेपाल आते हैं मिलने एक दूसरे के लिए। सचिन यहाँ से नेपाल जाते हैं और उधर से बिना किसी वीज़ा के जो है सीमा हैदर नेपाल आ जाती हैं। वहीं नेपाल में मिलने के बाद जब सीमा हैदर से सचिन कहते हैं कि अब आप जो है पाकिस्तान लौट जाइए, सीमा हैदर कहती हैं कि नहीं, मुझे अभी नहीं जाना है, मैं यहीं रहूँगी। उसके बाद जब सचिन उस पर फोर्स करते हैं तो सीमा हैदर चली तो जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान से सीमा हैदर महज 50 दिन में वो वापस भारत आ जाती हैं सचिन के पास। वो सचिन से मिलती हैं और यहीं रहने लगती हैं। इन सब के बीच में सीमा हैदर का कहना है कि उनके पति जो उनको बहुत मारते पीटते थे और उनसे बहुत दूर रहते थे, जिससे परेशान होकर उन्होंने यह कदम उठाया। और वहीं उन्होंने बताया कि सचिन से उन्हें इतना ज़्यादा प्यार हो गया कि वो सारी सीमाएँ को लांघते हुए भारत आ गई। दर्शकों आपको पता ही होगा कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कुछ खास ठीक नहीं है। पाकिस्तान जहां एक तरफ भारत के खून के प्यासा है, वहीं पाकिस्तान जो है भारत पर तमाम प्रकार के हमले कराता रहता। वहीं पलटवार करते हुए हमारे भारत के जवान भी उनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं। वहीं इन सब के बीच में सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आ जाती हैं, वो भी किसी वीज़ा के, बिना किसी पासपोर्ट के। तो तमाम प्रकार की जो है समस्याएं देखने को मिलती हैं, तमाम प्रकार की बातें सामने आती हैं कि कहीं ये जासूस तो नहीं। वहीं जब ये भारत आई तो जासूसी के तमाम केस इन पर लगे और इस पर जो है चर्चा की गई और इन पर जो है पूछताछ की गई। तो अब इन्होंने बताया कि मैं पाकिस्तान की रहने वाली हूँ, लेकिन मुझे हिंदुस्तान के सचिन से प्यार हो गया, अब मैं इनके साथ ही जीवन बिताऊँगी और इनके साथ ही रहूँगी। वहीं हमारे मीडिया सहकर्मी ने जब इनसे बातचीत की, आपको बता दें हमारे जो है पत्रकार ने बात की इनसे, तो उन्होंने बताया कि मैं मर जाऊंगी लेकिन पाकिस्तान वापस नहीं जाऊंगी। दर्शकों आपको बता दें, हमारे सहयोगी राकेश मोहन ने रिपोर्टिंग के दौरान जब सीमा हैदर से पूछा कि गुलाम हैदर आपके पति हैं, आप उनके पास वापस क्यों नहीं जाना चाहती, क्या वो जब गेट पर आएंगे आपको लेने हिंदुस्तान तो क्या आप मना कर देंगी, तो सीमा हैदर का जवाब कुछ इस तरह था कि सीमा हैदर कहती हैं कि मैं मर तो जाऊंगी लेकिन वहां कभी नहीं जाऊंगी, जीना है तो इनके साथ जीना है और मरना है तो सचिन के साथ जाना है, यहां से जाएगी तो मेरी अर्थी जाएगी, मैं पाकिस्तान जिंदा तो नहीं जाऊंगी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप खुद ये सुनिए जरा। है कि वो 60-70 हज़ार रुपये आपको महीना भेज रहे थे, उतनी खुशहाल जिंदगी छोड़कर यहाँ पर आप आ गई हैं जहाँ पर आपके पति, नए पति कमाते भी नहीं। गॉड इज ग्रेट, भगवान बहुत बड़े हैं, दे देंगे हमें कहीं ना कहीं से मदद। फिलहाल तो सही है, खाना पीना चल रहा है, आगे का जो होगा सो देखा जाएगा। यहीं पे आखिरी मंजिल तय, आखिरी मंजिल यही है, मेरी अर्थी उठेगी, जिंदा तो मैं नहीं जाऊंगी, ये मेरी भी बात है, दुनिया में हिंदुस्तान पाकिस्तान मानेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सुना आपने, तो दर्शकों जिस प्रकार से सीमा हैदर का ये दावा है कि अब वो सचिन के साथ ही रहेंगी, वो सचिन को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी, पाकिस्तान में उनके साथ तमाम प्रकार की जो है दिक्कतें सामने आती थी, उनके पति उनको मारते पीटते थे और उनसे गाली गलौज करते थे। वहीं सीमा हैदर आपको बता दें कि एक मुस्लिम महिला है, वो हिंदू धर्म को अपनाती हैं, जिससे भारत में भी तमाम प्रकार की समस्याएं आती हैं, क्योंकि एक मुस्लिम महिला का हिंदू धर्म में आना और तुरंत बर्ताव बदलना, ये कहीं ना कहीं जो है तमाम प्रकार की बातें खड़ी करता है। क्या ये सच है कि ये प्यार के चक्कर में हिंदुस्तान आ गई या इसके पीछे कुछ और ही राज है? इन सब के बीच में आपका क्या कहना है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।